नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। नैनीताल, खाई में गिरी पर्यटकों की कार, 2 की मौत, 1 घायल। उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला जारी है। आए दिन पर्यटक स्थलों पर सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें कई पर्यटकों की जान जा चुकी है। ताजा मामला नैनीताल के भवाली जोली कोट रोड का है, जहां बीती शाम कार खाई में गिरने से सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया और 1 घायल को अस्पताल भिजवाया, साथ ही शवों को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार देर रात कार संख्या DL8CAA2634 भवाली से दिल्ली को जा रही थी, तभी खूपी गेठिया के समीप शुक्रवार रात 2 बजे कार खाई में गिर गई। शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों ने महिला की कराहने की आवाज सुनी। खाई में देखने के बाद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। तल्लीताल के SO विजय मेहता ने बताया कि कार में दिल्ली के 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें 1 महिला और 1 पुरुष मृत मिले, जबकि 1 महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। 24 घंटे से ज्यादा समय से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद, फंसे कई वाहन। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 24 घंटे से भी ज्यादा समय से बाधित है। चमधार के पास मार्ग पर लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, ऐसे में लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने के कार्य पर जुटा हुआ है। वहीं मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओलंपियन वंदना कटारिया के घर के बाहर फोड़े थे पटाखे, 2 गिरफ्तार, होने लगी राजनीति। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे फोड़ने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी होने लगी है। भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल समेत विभिन्न संगठनों के लोगों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देशराज कर्णवाल ने कहा है कि हरिद्वार की बेटी के साथ ही दलित समाज का भी अपमान, वंदना और उसके परिजनों को जाति सूचक शब्द कहने को लेकर संत समाज समेत कई लोग सामने आए हैं। मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जिन लोगों ने भारतीय टीम की हार पर आतिशबाजी का जश्न मनाया, वह देश विरोधी कदम है और उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और स्वामी कैलाशानंद गिरी ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई है और कहा है कि इस तरह की हरकतें देश के विश्वास और सम्मान को धक्का पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि जब एक खिलाड़ी भारत के सम्मान की रक्षा के लिए ओलंपिक में अपना जी जान लगा रही है, उस वक्त इस तरह की हरकतें करना उसकी एकाग्रता और प्रदर्शन पर विपरीत असर डालता है। डूबने से पहले गंगा में अटखेलिया कर रहे थे मुंबई के छात्र। मुंबई से ऋषिकेश आई 2 युवतियां और 1 युवक 2 दिन पहले गंगा में नहाने के दौरान बह गए थे। अब 2 दिन बाद इनके आखिरी पलों का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 3 युवतियां गंगा के तेज बहाव में अटखेलिया करती दिखाई दे रही हैं। गंगा का बहाव तेज होने के बाद भी ये युवतियां लगातार पानी में ही खेलती नजर आ रही हैं। वीडियो में युवक भी नजर आ रहा है, जो इन तीनों युवतियों के साथ नदी में उतरने की कोशिश कर रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व CM त्रिवेंद्र को बताया झूठा, देवस्थानम बोर्ड भंग करने को अड़े। केदारनाथ धाम में 2 महीने से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज का आंदोलन जारी है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अब बद्रीनाथ धाम कुछ करने की चेतावनी दी है, साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को झूठा बताया है। टिहरी झील से परेशान ग्रामीणों का 5 साल का इंतजार खत्म, आवंटित हुई जमीन। पुनर्वास विभाग की ओर से टिहरी डैम से परेशान ग्रामीणों को जमीन के आवंटन के लिए शुक्रवार को लॉटरी का आयोजन किया गया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता पुनर्वास प्रेम सिंह पंवार, अपर महाप्रबंधक THDC विजय सहगल और पुनर्वास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि अपने विस्थापन के लिए जमीन की मांग को लेकर सरकार और पुनर्वास विभाग के 5 साल से चक्कर काट रहे थे। वहीं पुनर्वास विभाग की ओर से ग्रामीणों को लॉटरी के माध्यम से जमीन आवंटित की गई। सोशल मीडिया इंटरवेंशन सेल लेगा फेक न्यूज वालों की खबर, होगी कानूनी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, भ्रामक खबरें और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले पोस्ट डालना असामाजिक तत्वों को भारी पड़ सकता है। उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया इंटरवेंशन सेल गठित किया है, जो शिकायतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेगा। खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद रखने पर कांग्रेस हुई हमलावर, अब केंद्र से कर दी ये मांग। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ऐलान किया। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा, कहां कहां से मिटाओगे गांधी नेहरू का नाम। CM बनने के 33 दिन बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे धामी, शुरू किया कामकाज।
पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने 33 दिन हो चुके हैं। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में पूजा अर्चना कर अपने कार्यालय में विधिवत रूप से कामकाज की शुरुआत की। एसएसजे विश्वविद्यालय में तूल पकड़ रहा कथित पीएचडी प्रवेश परीक्षा व वित्तीय धांधली का मामला। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा व वित्तीय धांधली का मुद्दा तूल पकड़ गया है। कुलपति पर अनियमितताओं पर पर्दा डालने का आरोप लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़े विद्यार्थियों ने हंगामा काट कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। मानवता, एसडीआरएफ ने कोलतार से बछड़े को बचाया। एसडीआरएफ की टीम ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कोलतार में लिपटे गाय के बछड़े की मदद की। एसडीआरएफ टीम ने देखा कि एक गौवंश सड़क किनारे असहाय स्थिति में लेटा पड़ा है। उसके पास जाने पर मालूम हुआ कि वह सड़क पर किए जा रहे डामर में गिर गया। ऐसे में टीम ने थिनर की व्यवस्था करते हुए बछड़े के शरीर से कोलतार को पूरी तरीके से हटाया, जिसके बाद बछड़ा हिलने डुलने लगा। टीम की इस पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की। आफत, रुद्रप्रयाग में पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण। प्रदेश में बारिश से भूस्खलन का दौर जारी है, जिससे प्रदेश के संपर्क मार्ग मलबा आने से लगातार बाधित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में एक दर्जन से अधिक ग्रामीण मोटर मार्गों पर आवाजाही ठप है। बारिश के कारण जल संस्थान विभाग की 80 के करीब योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने बताया कि विभाग की 247 योजनाओं में 80 योजनाएं बरसाती मौसम के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब बिना अपॉइंटमेंट लिए ही बनेगा लर्निंग लाइसेंस, जाने। राजधानी में नए लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को आरटीओ में अपॉइंटमेंट लेकर जाने की शर्त से छूट दे दी गई है। एक दिन पहले ही आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने लर्निंग लाइसेंस के स्लॉट 75 से बढ़ाकर 100 करने का फैसला किया था। इसमें 50 स्लॉट नए आवेदन करने वालों के लिए हैं, जबकि शेष 50 पुराने बैकलॉग के हैं। आरटीओ ने बताया, चूँकि बैकलॉग अभी काफी शेष है, लिहाजा पुराने आवेदकों को अपॉइंटमेंट लेकर ही टेस्ट देने आना पड़ेगा। दिन दहाड़े चोर उड़ा ले गए बाइक, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। हल्द्वानी शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिन दहाड़े मुखानी थाना क्षेत्र से चोरों ने बाइक उड़ा ली और यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इससे पहले एक कार का टायर चोरी की घटना में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। लगातार चोरियों की घटना ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस शिकायत के बाद छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मुखानी थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े यह घटना हुई। युवा सरकार, युवाओं को देगी रोजगार योजना तैयार। युवा सरकार युवाओं को देगी रोजगार योजना तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस युवाओं के रोजगार पर है। उन्होंने कमान संभालने के साथ पहले कैबिनेट में युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया था। केवल संकल्प ही नहीं बल्कि उसे पूरा भी कर रहे हैं। युवाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली सीएम पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य युवाओं को रोजगार से जोड़ने का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के लिए हमेशा से ही संघर्ष किया है। उन्होंने युवाओं के साथ मिलकर कई बड़े आंदोलन भी किए। उन्होंने युवाओं की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। रोजगार युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। राज्य के लिए भी बेरोजगारी किसी संकट से कम नहीं है। ऐसे में सीएम धामी ने बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने पर काम करना भी शुरू कर दिया है। उनकी जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आई है। कई भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी हो चुकी हैं, जबकि कई भर्तियां जल्द शुरू होने वाली हैं। इससे युवाओं में भी उत्साह है। राज्य में करीब 22,000 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। 15 अगस्त तक सभी विभागों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने की डेडलाइन भी तय कर दी गई। सीएम धामी ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात भी कही थी। उन्होंने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। सीएम धामी ने समीक्षा के बाद सभी जिलों में 1 से 15 सितंबर तक स्वरोजगार कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। इन कैंपों के जरिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक लोन दिए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों को लक्ष्य भी दिए गए हैं। स्वरोजगार कैंप के जरिए करीब 50,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम धामी का लक्ष्य 1,00,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का है। उनका कहना है कि स्वरोजगार से जहां आत्मनिर्भर बनेंगे, वहीं वोकल फॉर लोकल के जरिए युवा राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। रुड़की ब्रेकिंग, ग्राम प्रधान खा गया गांव वालों के शौचालय के पैसे। पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार अपने विजन को साकार रूप देने में दिन रात लगी हुई है। पीएम मोदी का मिशन है कि गांव के हर घर में शौचालय हो और महिलाओं को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए सरकार द्वारा राशि बांटी गई, लेकिन कई प्रधान पीएम मोदी के मिशन पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं।
जी हां, मामला रुड़की नगर से सटा गांव टोडा कल्याणपुर का है, जो स्वच्छता के नाम पर जीरो है। पिछले कई सालों से विकास की बाट देखता आ रहा, लेकिन कई ग्राम प्रधान आए और गए, लेकिन गांव के मुखिया का विस्तार नहीं हो सका। जो मार्ग आसपास के कई गांवों को जोड़ता है, वही मार्ग खस्ता हाल है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।